दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जो हमारी मोबाइल बैटरी यूज़ होती है उसमें हमें तीन टर्मिनल देखने को मिलते हैं। पहले के मोबाइल में ऐसा होता था, आज के मोबाइल में भी ऐसा होता है, बस आजकल के मोबाइल में हम बैटरीज़ को खुली आँख से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो ढक्कन के पीछे पैक्ड होती है, क्योंकि फिक्स बैटरी यूज़ होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि मोबाइल में जो तीन टर्मिनल की बैटरी या फिर चार टर्मिनल की बैटरी यूज़ होती थी, तो वहाँ पे हमें पता है कि डीसी सोर्स जो होता है उसमें सिर्फ दो टर्मिनल की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन तीन या चार टर्मिनल से हमें मतलब क्या होता है, तो तीसरे और चौथे टर्मिनल का यूज़ किस लिए होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इन दोनों टर्मिनल्स का यूज़ किस लिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात करें, तीन टर्मिनल की बात करें, तो तीन टर्मिनल में हमें दो टर्मिनल तो हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन जो तीसरा टर्मिनल होता है वो उसके अंदर LMIC जैसे कि हम बैटरी इंडिकेटर का यूज़ करके बनाते हैं, एक इंडिकेटर बनाते हैं सर्किट का, वैसे ही उसका चीपेस्ट पार्ट लगा हुआ होता है मोबाइल के अंदर, या फिर बैटरी के जस्ट नीचे एक सर्किट डिज़ाइन होता है उसके में लगा होता है LMIC करके एक IC होती है, वो लगी होती है, जिसकी वजह से जो हमारी बैटरी का परसेंटेज यानी कि बैटरी का जो लेवल है परसेंटेज, वो हमारे मोबाइल के डिस्प्ले पे शो होता है या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में शो होता था, जैसे कि पुराने नोकिया फ़ोन में शो होता था पॉइंट के फॉर्म में बैटरी। तो उस चीज़ को सेंस करने के लिए वहाँ पे वो थर्ड टर्मिनल का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम ना आए और जो हमारी बैटरी है वो आसानी से स्कैन कर ली जाए कि उसके अंदर कितना बैटरी का लेवल है। तो ये तो बात हो गई थर्ड टर्मिनल की। अब कुछ कुछ मोबाइल यानी कि सैमसंग वगैरह और भी बहुत सारी कंपनीज़ में को देखने को मिला होगा कि चार टर्मिनल्स का यूज़ किया जाता है। अब भैया बात करें चौथे टर्मिनल की, तो चौथा टर्मिनल किस लिए यूज़ किया जाता है, तो फोर्थ टर्मिनल इसलिए यूज़ किया जाता है कि फोर्थ टर्मिनल का यूज़ करके हम बैटरी के टेम्परेचर को पता करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर पता करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ के मोबाइल ब्लास्ट हो रहे थे, फट जा रहे थे ओवरहीटिंग की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न हो रहे थे, लोग चार्जिंग पे यूज़ कर रहे थे और उनको टेम्परेचर का पता नहीं चलता है। तो इसलिए क्या किया कंपनीज़ ने, एक फोर्थ टर्मिनल बनाया जिसके अंदर थर्मामीटर का कनेक्शन सेट होता है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर में उसका थर्मामीटर का कोड इंस्टॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें उसकी सारी नोटिफिकेशन हमारे सॉफ्टवेयर को इन्फॉर्म मिलती है। वहाँ पे एक लूप यानी कि आप समझ सकते हैं प्रोग्राम सेट होता है कि इससे ओवर होगा तो हम इनको एक मैसेज भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका फ़ोन ओवरहीट हो चुका है, जिसकी वजह से आप ये फ़ोन का यूज़ करना बंद कर दिए या फिर बैक कवर हटा दिए, चार्जिंग हटा दिए, या कि ताकि आपके फ़ोन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा टेम्परेचर कम होने की वजह से फ़ोन की जो बैटरी है उसका ब्लास्ट होने का खतरा कम हो जाएगा, और इससे काफ़ी हेल्प मिली जिससे मोबाइल के ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ गया। लेकिन अब आपको सोचने वाली बात है कि मोबाइल की बैटरी इसको फिक्स क्यों कर दिया गया, पहले रिमूवल बैटरी यूज़ होती थी। रिमूवल बैटरी क्या होता था, रिमूवल बैटरी के जस्ट नीचे आपका सिम ट्रे लगी होती थी और मेमोरी कार्ड ट्रे लगी होती थी, जिसकी वजह से अगर आपको सिम या मेमोरी निकालनी होती थी उसके लिए आपको बैटरी हटानी पड़ती थी, बार बार बैटरी निकालने हटाने से क्या होता था, बैटरी के जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल होते हैं हमारे फ़ोन से अंदर पिंस लगी होती वो वहाँ पे कार्बन आ जाता था, आप कार्बन होने की वजह से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, आपका बैटरी का परसेंटेज सही नहीं दिखाएगा या फिर आपकी बैटरी का टेम्परेचर सही नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि बैटरी को फिक्स कर दिया गया। फिक्स करने से क्या हुआ कि जो हमारा टर्मिनल्स हैं वो एक बार फ़ोन में पैच कर दिए जाते हैं, और जब वो कभी रिपेयर होते तभी उसको हटाना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं हटाना पड़ता। तो इसके लिए इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बैटरी पे कार्बन नहीं आता और सारे इंडिकेटर्स सही काम करते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल में खतरे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यही था इस वीडियो का कंक्लूजन। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव नॉलेज के लिए।